इनका ट्रांसप्लांटेशन बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस रेंज में हुआ है, सिर्फ 20 रुपीज पर ग्राफ में। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत ही ज्यादा बेटर होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको एक पेशेंट का रिजल्ट दिखाने वाले हैं जिन्होंने लगभग अपना ट्रांसप्लांटेशन 8 महीने पहले करवाया था एक बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में। आज की इस वीडियो में हम आपको इनकी पूरी जर्नी शेयर करने वाले हैं, जिस दिन उन्होंने ट्रांसप्लांटेशन करवाया था उस दिन से लेके आज इनको 8 महीने हो चुके हैं ट्रांसप्लांट करवाए हुए, जितने फेजेस से गुजरे हैं ट्रांसप्लांटेशन के बाद, पूरी जर्नी आपको वीडियो में हम आपको शेयर करने वाले हैं। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। हम आपको पूरी डिटेल्स देने वाले हैं पेशेंट के, कितने ग्राफ लगे, कहाँ से ट्रांसप्लांटेशन हुआ, कितनी कॉस्टिंग आई पेशेंट की, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव आज की वीडियो होने वाली है। इसीलिए आप पूरी वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो में हमने आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई है, आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले, अगर आप हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाना चाहते हो और आप कन्फ्यूज्ड हो कि आपको ट्रांसप्लांटेशन करवाना चाहिए भी कि नहीं, अगर करवाना चाहिए तो आपका हेयर ट्रांसप्लांटेशन में खर्चा कितना आएगा और आप कहाँ से आपको ट्रांसप्लांटेशन करवाना चाहिए, तो आप हमारी वेबसाइट www.bestreserve.com पर विजिट कर सकते हो। वहाँ पे आपको हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप भी अपना ट्रांसप्लांटेशन सक्सेसफुली करवा पाओगे, जैसा कि काफ़ी लोग करवा चुके हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, आप उस लिंक में क्लिक करके वेबसाइट में जाके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो गाइस, बात कर लेते पेशेंट की बिफोर द सर्जरी की कंडीशंस की। जब इन्होंने कॉन्टैक्ट किया था तो इनकी फ्रंटल हेयरलाइन बहुत ज़्यादा रिसीड हो चुकी थी। आप देख सकते हैं टेम्पल्स इनके ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन फ्रंटल इनको हेयर लॉस बहुत ज़्यादा हो चुका था। एग्जिस्टिंग इनकी क्वालिटी देखिए, बहुत अच्छी तरीके से इनके एग्जिस्टिंग हेयर आपको दिखाई दे रहे होंगे। अगर हम बात करें डोनर एरिया के बारे में, तो आप इनका डोनर एरिया देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इनका डेंस डोनर एरिया है। और मैंने काफ़ी वीडियोस में आपको पहले भी बताया हुआ है कि अगर आपका डोनर एरिया डेंस है तो 100% चांसेज होते हैं कि आपका रिजल्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। सेम इनके केस में भी वो, आप आगे जाके वीडियो में इनका रिजल्ट देखोगे तो आप समझ जाओगे। एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा लोगों को ये कभी कन्फ्यूजन्स रहते हैं जब हमें लोग कॉन्टैक्ट करते हैं, तो उनको कन्फ्यूजन रहता है कि अगर हम अपने डोनर एरिया से वाइट हेयर को एक्सट्रैक्ट करके रिसिपिएंट एरिया में लगा दे तो क्या वो हेयर व्हाइट ही ग्रो करेगा या ब्लैक ग्रो करेगा। ये भी मैंने वीडियो में पहले काफी बार बताया है कि आपके डोनर एरिया के जो हेयर एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल सेम रहती है। अगर वो पीछे वाला बाल ब्लैक हेयर एक्सट्रैक्ट करके ब्लैक लगाया जाएगा तो वो ब्लैक ही ग्रो होगा, अगर व्हाइट हेयर एक्सट्रैक्ट करके व्हाइट आगे लगाया जाए तो वो व्हाइट ही ग्रो होगा। काफ़ी लोगों को डाउट रहता है कि अगर हम पीछे से व्हाइट हेयर को आगे लगा देंगे तो वो ब्लैक ग्रो करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अब फाइनली इनकी सर्जरी हुई और हम बात करें आफ्टर द सर्जरी की, तो आप देख सकते हैं 2800 प्लस इनको ग्राफ्ट लगाए गए हैं, FUE टेक्निक से इनका ट्रांसप्लांटेशन हुआ है और एक सेशन में इनका ट्रांसप्लांटेशन हुआ है। मैंने काफ़ी केस स्टडीज ऐसी दिखाई थी जिसमें पेशेंट्स के दो दो दिन लग जाते हैं ट्रांसप्लांटेशन में, और काफ़ी लोगों का ये होता है। एक्चुअली काफ़ी लोग जब कॉन्टैक्ट करते हैं क्लिनिक में तो उन्हें क्लिनिक की तरफ से बताया जाता है कि आपको 2 दिन लग सकता है, काफ़ी पेशेंट्स को 3 दिन भी लग जाते हैं, तो पेशेंट्स घबराने लगते हैं कि सर आपने वीडियो में बताया कि 1 दिन में ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है और हमारे क्लिनिक हमें बता रहा है कि हमें 2 से 3 दिन लगेगा। तो मैंने ये बात भी वीडियो में काफ़ी बार बताई है कि ये भी पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। काफ़ी लोगों का 1 दिन में ट्रांसप्लांटेशन हो जाता है, काफ़ी लोगों के 2 दिन लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट डे उनका ट्रांसप्लांटेशन होगा उसमें फ्रंट एरिया कवर हो जाएगा, नेक्स्ट डे में उनका क्राउन एरिया कवर हो जाएगा, तो ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। अगर आपके सर्जन कोई भी डॉक्टर आपको बोल रहे हैं कि आपके 2 सेशन में ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है तो आप घबराइए मत, ये आपके केस के लिए अच्छी बात है। अब अगर हम बात करें आफ्टर 3 डेज के कंडीशन की, पेशेंट ट्रांसप्लांटेशन के 3 दिन बाद की कंडीशन की, तो आप देख सकते हैं हेयरलाइन इनकी इरेगुलर बनाई गई है, बिल्कुल स्ट्रेट हेयरलाइन ड्रॉ नहीं की गई है। आप देख सकते हैं प्लेसमेंट्स भी बहुत अच्छे से हुआ है ग्राफ्ट्स का। अब काफ़ी लोगों को ये डाउट होने लगता है कि ट्रांसप्लांटेशन के सर 6 दिन हो चुके हैं, हमारा जो ट्रांसप्लांटेड एरिया है वो टोटली नम हमको फील हो रहा है। तो मैंने वीडियो में काफ़ी बार बताया है, अगर हम बात करें रिसिपिएंट एरिया की और ट्रांसप्लांटेड एरिया की, 10 से 15 दिन लग जाता है नमनेस को जाने में। सेम इन पेशेंट के केस में भी हुआ, इनकी अगर आप आफ्टर 3 डेज की बात करें तो एरिया पूरा का पूरा नम था और इट्स टोटली नॉर्मल। अब अगर हम बात करें आफ्टर 12 डेज की, ट्रांसप्लांटेशन के 12 दिन बाद की कंडीशन की, तो आप देख सकते हैं पेशेंट के जो ब्लड क्लॉट्स थे वो 10 से 20% रिमूव्ड हो चुके हैं, क्योंकि इनका फर्स्ट हेडवॉश हो चुका है। अब काफ़ी लोगों को क्या होता है, जब उनको डॉक्टर उनको सर्जन बोलते हैं कि आप हेडवॉश करना स्टार्ट कर दीजिए, फॉर एग्जाम्पल 8 दिन बाद उन्हें हेडवॉश करने के लिए बोल दिया, तो उन्हें ये लगता है कि पहले दिन ही हमें सारे क्लॉट्स रिमूव कर देने हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपको प्रोसेस को स्टार्ट करना होता है उस दिन से, और ब्लड क्लॉट्स फुली रिमूव होने में 14 से 15 दिन लग जाते हैं। ट्रांसप्लांट से लेके 14 दिन से 15 दिन आपको ब्लड क्लॉट्स रिमूव होने में लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 8 दिन में स्टार्ट कर रहे हो अपना क्रस्ट रिमूवल प्रोसेस, अपना हेड वॉश करना, तो कम से कम 3-4 दिन और लगेगा उस क्लॉट्स को रिमूव होने में।
हाँ ये भी होता है कि आपको 15 से 16 दिन के अंदर सारे के सारे रिमूव करने होते हैं। अगर वो नहीं रिमूव हुए हो सकता है आपका ग्राफ डैमेज हो जाए। इस चीज़ का आपको अच्छे से ख्याल रखना है कि आपके जितने भी ब्लड क्लॉट्स हैं वो 15 से 16 दिन में सारे के सारे रिमूव हो जाने चाहिए। अब अगर हम बात करें पेशेंट के 2 महीने बाद की कंडीशन की, आफ्टर 2 मंथ्स की अगर हम बात करें ट्रांसप्लांटेशन की, तो आप देख सकते हैं शेडिंग फेज इनका ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। मैंने काफ़ी बार बताया कि शेडिंग फेज आपका 6 दिन बाद स्टार्ट हो जाता है और ये धीरे धीरे जाके 2 से 2.5 महीने में खत्म हो जाता है। अपने केस की बात करूं तो मुझे 2.5 महीने में शेडिंग फेस खत्म हुआ। इन पेशेंट का 2 महीने में ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। आप देखिए बहुत ज़्यादा एक्सटेंट में इनकी शेडिंग आ चुकी है, बहुत ज़्यादा परसेंटेज इनके ट्रांसप्लांट हेयर झड़ चुके हैं। अभी भी कुछ हेयर बचे हुए हैं, वो धीरे धीरे करके ग्रो होंगे, मैं आगे जाके वीडियो में आपको बताऊंगा। अपने 2 महीने बात करें हम हेयर कट के बारे में, तो आप हेयर कट ले सकते हो 2 महीने बाद। साइड के जो हेयर हैं वो आपको कट कर सकते हो। डोनर एरिया के हेयर को आप ट्रिम नहीं कर सकते लेकिन थोड़े बहुत कट कर सकते हो। अब बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो आप आफ्टर 1 मंथ और 2 मंथ स्टार्ट कर देते हो, जैसे जिमिंग आप स्टार्ट कर सकते हो लेकिन आप हैवी वेट लिफ्ट नहीं कर सकते। आप हेलमेट इजीली पहन सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। सपोज आप कोई भी सिविल इंजीनियर हो, आपको साइट वर्क है आपका, आपको कंस्ट्रक्शन साइट में जाना है और आपको हेलमेट पहनना है, ऑब्वियसली आप पहन सकते हो। काफ़ी लोग जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज से इंडिया में ट्रांसप्लांटेशन करवाने आते हैं, जो मतलब होते इंडियन है लेकिन मिडिल ईस्ट कंट्री में कंस्ट्रक्शन का वर्क करते हैं, तो उन्हें डाउट रहता है कि सर हमारा जो काम है वो साइट वर्क है, हमें हेलमेट पहनना पड़ता है, तो क्या हम ट्रांसप्लांट के बाद हेलमेट पहन सकते हैं। हम उन्हें समझाते हैं कि 15 से 20 दिन बाद आप हेलमेट इजीली पहन सकते हो। आप दुबई, सऊदी अरब, कतर कहीं भी काम कर रहे हो कंस्ट्रक्शन का, आप ऑब्वियसली ट्रांसप्लांटेशन करवा सकते हो। अब आप तो 3 मंथ की हम बात करते हैं ट्रांसप्लांटेशन के, 3 महीने बाद पेशेंट की कंडीशन की, तो आप देख सकते हैं पेशेंट के कंडीशन में कुछ बाल धीरे धीरे ग्रो होने लगे हैं। जो एग्जिस्टिंग हेयर है वो तो काफ़ी बड़े हो चुके हैं लेकिन जो कुछ आपको पतले पतले बाल दिखाई दे रहे होंगे, देखिए ये वो बाल हैं जो आपके शेडिंग फेज में नहीं झड़े थे। कुछ बाल आपने देखे होंगे जब मैंने 2 मंथ का रिजल्ट शो किया था तो कुछ बाल नहीं झड़े थे, तो ये वही बाल हैं और वो वहीं से ग्रो करना स्टार्ट कर चुके हैं। आप देख सकते हैं भले डेंसिटी बहुत ज़्यादा वियर्ड लग रही होगी आपको आगे वाले बालों की, लेकिन जो अभी जो रीग्रोथ है वो आना बाकी है। ऑल दो कुछ पेशेंट का 3 मंथ में रिजल्ट अच्छा खासा आ जाता है, लेकिन ये उन पेशेंट्स में से जिनका रिजल्ट आना स्टार्ट हुआ है 3 मंथ्स में, और कुछ बाल जो बड़े दिखाई दे रहे हैं ये वो बाल हैं जो झड़े नहीं थे। काफी लोग इन बालों को देख के अपने रिजल्ट को जज करने लगते हैं और काफी ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि जो ये बाल बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं आपको, कुछ यही बाल अब बड़े होंगे और यही हमारा फाइनल आउटकम होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपके 80 to 90% बाल ऐसे हैं जो ग्रो ही नहीं हुए अभी, वो अब उनके वो शेडिंग फेज में जा चुके हैं और उनको ग्रो होना बाकी है। सो अभी 3 महीने में जज मत करिए अपने रिजल्ट को, आपका शेडिंग फेज जस्ट ओवर हुआ है अभी, अभी आपकी रिग्रोथ होना बहुत ज़्यादा बाकी है। अब हम बात करते हैं 5 महीने बाद के रिजल्ट की, आफ्टर 5 मंथ हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बाद की हम बात करते हैं कंडीशन। तो आप फोटोज में देख सकते हो अब आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा। अगर हम इसको कंपेयर करें 3 महीने या 2 महीने के रिजल्ट से, तो आपको अच्छा खासा डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा। मे भी काफ़ी लोगों को लग सकता है कि इनका ट्रांसप्लांटेशन का रिजल्ट तो आया लेकिन वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। इसका एक सिंपल सा रीज़न है, इन्होंने अपना साइड हेयर कट नहीं लिया है, जो मोस्टली पीपल ले लेते हैं। आप फोटो में देख सकते हो उनके साइड हेयर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, जो कि इनके फ्रंट के जो हेयर हैं जो अभी रीग्रोथ हुए हैं उसके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा लंबे हैं। इस वजह से हो सकता है अभी आपको रिजल्ट अच्छा नहीं लग रहा होगा। डोंट वरी, 6 महीने का रिजल्ट आपको शो करूंगा तब आपको दिखेगा बहुत अच्छा इनका रिजल्ट आया है। अगर हम बात करें डोनर एरिया के बारे में, तो आप इनका डोनर एरिया देख सकते हो, इनका डोनर एरिया एक्सट्रीमली वंडरफुल था। आप देख सकते हो अभी भी 2.5 से 3 हज़ार ग्राफ एक्सट्रैक्ट करने के बाद भी कितना अच्छा इनका डोनर एरिया लग रहा है। कोई देख के बता ही नहीं सकता कि यहाँ पे ग्राफ को निकाला गया है, यहाँ पे ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, यहाँ से ग्राफ को एक्सट्रैक्ट किया गया है। सो ये एक अच्छी चीज़ होती है, एक वंडरफुल डोनर एरिया की, एक अच्छे डोनर एरिया की एक क्वालिटी होती है कि एक तो रिजल्ट डेंस आता है आपका और आपका जो डोनर एरिया होता है वो बहुत इजीली हील्ड हो जाता है। आप ये बिल्कुल मत समझिए कि आप अगर आपका डोनर एरिया वीक है तो आपका ट्रांसप्लांटेशन का रिजल्ट नहीं आएगा। अगर आपके सर्जन पे स्किल्स हैं वो आपका वीक डोनर एरिया में भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स ला सकते हैं। हमें बेस्ट हेल्प में बहुत लोग ऐसे कॉन्टैक्ट करते हैं जो अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करते हैं। बहुत वीक डोनर एरिया के रिजल्ट्स देखे हमने ऐसे, जो बहुत वीक डोनर एरिया था लेकिन उन्होंने अच्छी जगह ट्रांसप्लांटेशन करवाया था, उनका रिजल्ट बहुत अच्छा है। बहुत लोग ऐसे भी कॉन्टैक्ट करते हैं जिन्होंने अपना ट्रांसप्लांटेशन खराब करवाया होता है और वो दोबारा ट्रांसप्लांटेशन करवाना चाहते हैं, लेकिन हमने ऐसे केसेस देखे हैं जिनका डोनर एरिया काफ़ी ज़्यादा खराब था लेकिन उनका रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो ये डॉक्टर की स्किल्स पे भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। अब अगर हम बात करें फाइनल रिजल्ट के बारे में, तो आप वीडियो में देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल इनका रिजल्ट आया है। मैंने आपको 5 महीने में बताया था इन्होंने साइड हेयर कट नहीं लिया है, इस वजह से आपका रिजल्ट थोड़ा कम लग रहा हो, लेकिन अगर अब आप देखो तो कितना ज़्यादा अच्छा इनका रिजल्ट लग रहा है साइड हेयर कट करने के बाद। बहुत अच्छी इनकी हेयरलाइन आई है, बहुत अच्छी इनकी डेंसिटी लग रही है, डोनर एरिया प्रॉपरली हील हो चुका है इन पेशेंट का। आप देख सकते हैं हेयरलाइन में सिर्फ और सिर्फ सिंगल हेयर फॉलिकल का इस्तेमाल किया गया था, इस वजह से हेयरलाइन नेचुरल लग रही है।
प्लेसमेंट ऑफ ग्राफ्ट का बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया था, आप देख सकते हैं हेयर लाइन बिल्कुल इरेगुलर बनाई गई है। सो इस वजह से आपको जो रिजल्ट आप दिखाई दे रहा होगा बहुत वंडरफुल आया है। और मुझे लगता है जितने भी लोग हमें कॉन्टैक्ट करते हैं या किसी भी क्लिनिक में फॉर एग्जाम्पल वो ट्रांसप्लांटेशन करवाने जाते हैं, तो उनकी एक्सपेक्टेशन यही रहती है कि हमारी हेयर लाइन अच्छे से रिपेयर हो जाए, हमारी डेंसिटी पहले जैसी तो नहीं लेकिन ऑलमोस्ट पहले जैसी दिखे। और इन पेशेंट के केस में भी ऐसी हुआ है, आप देख सकते हैं बहुत अच्छी इनकी हेयर लाइन लग रही है, बहुत अच्छी डेंसिटी भी लग रही है, डोनर एरिया प्रॉपरली हील हो चुका है आप देख सकते हैं। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो रिजल्ट है ये इसीलिए बहुत अच्छा है कि इन्होंने बहुत महंगे क्लिनिक में ट्रांसप्लांटेशन कराया। इनका ट्रांसप्लांटेशन बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस रेंज में हुआ है, सिर्फ 20 रुपीज़ पर ग्राफ्ट में इनका ट्रांसप्लांटेशन हुआ है मुंबई के क्लिनिक से। बहुत वंडरफुल इनके रिजल्ट आए हैं। इनफैक्ट जब इन्होंने बेस्ट हेल्थ में कॉन्टैक्ट किया था सो ही वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस काइंड ऑफ रिजल्ट, इतना बेहतर रिजल्ट ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। सो इसीलिए आप जज मत करिए क्लिनिक को उसकी कॉस्टिंग से। जरूरी नहीं है कि जितने सस्ता क्लिनिक होगा उतने खराब रिजल्ट देगा, या फिर जरूरी नहीं है जितना महंगा क्लिनिक होगा उतने अच्छे रिजल्ट देगा, ये डॉक्टर की स्किल्स पे डिपेंड करता है। सो इसीलिए कभी भी किसी क्लिनिक को उसकी कॉस्टिंग पे जज मत करो। इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे क्लिनिक्स हैं जो बहुत महंगा महंगा ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी दे रहे हैं, लेकिन एक ये कड़वा सच है कि बहुत कम ऐसे क्लिनिक भी हैं जो बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा खराब रिजल्ट दे रहे हैं। हमें बेस्ट हेल्प में दिन में बहुत लोग ऐसे कॉन्टैक्ट करते हैं जिन्होंने अपना ट्रांसप्लांटेशन बहुत अच्छे अच्छे क्लिनिक से करवाया है, बहुत महंगे महंगे पैसा देकर उन्होंने करवाया, सिर्फ नाम पे भरोसा करके उन्होंने ट्रांसप्लांटेशन करवाया लेकिन उनका रिजल्ट नहीं आता, वो दोबारा ट्रांसप्लांटेशन करवाना चाहते हैं। सो हमारा एक्सपीरियंस इस इंडस्ट्री में ऐसा रहा है कि आपको डॉक्टर वाइसली चूज़ करना चाहिए, सिर्फ नाम पे या फिर यू नो सिर्फ उसकी कॉस्टिंग पे जज करके बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सो गाइस ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, एंड अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल में आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ लाने वाले हैं जिनकी नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके फोन में पहुँच जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।